सबको सुप्रभात हमारी तरफ से। मुझे आशा है आप लोग कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, सतर्क होंगे। और कुछ बच्चे अगर होंगे तो हमारी आवाज उन तक पहुंचती होगी, तो हमारी ओर से उन्हें विशेष शुभकामनाएं। जैसे में मनीष होगा, राहुल और भी रामायण और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सुनंद होंगे, सचिन तो 9-10 में चला गया, पक्षियों में सुदेखा और बहुत सारी बच्चियां होंगी। तो बिना समय गवाए फटाफट हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज इसको समाप्त करके कुछ मैं आपको प्रश्न दे दूंगा, जिसको आप घर पर रहकर आराम से सॉल्व करते रहिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमारे यहाँ कॉल करके पूछिएगा। देखिए, मैं कई दिनों से बता रहा हूँ भारत स्थितियों विस्तार, चूंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे इस मानचित्र पर भारत का विश्व में किस स्थान पर यानी कहाँ पर स्थित है, इसकी जो भौगोलिक जो आकृति है कैसी है, इसकी बनावट कैसी है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतर का प्रभाव क्या पड़ता है, इन सारे चीजों को मैंने बताया था। मैंने बताया था कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और यह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। भारत का अगर स्थान देखा जाए, स्थिति देखा जाए, तो हम लोग चारों तरफ से सुरक्षित हैं। उत्तर में महान हिमालय जो है खड़ा हुआ है, जो उत्तर से आने वाली हर तरह के शत्रुओं से, शीत हवाओं से, दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, इसलिए हमारी प्राकृतिक बनावट इतनी सुदृढ़ और स्ट्रांग है कि कोई भी दुश्मन हमारे सीमा के अंदर घुस नहीं सकते हैं। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो 8 राज्यों के स्पर्श करती है। इसके अतिरिक्त अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जिसमें पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील, छठवा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां आता है भारत। अगर कुल भूभाग का भारत के पास 2.42% है, यानी विश्व में जितनी भूभाग है उसके 2.42% जो है भारत के पास भाग है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या 18% है, यानी हर विश्व के 100 लोगों में 18 लोग भारतीय जरूर मिलेंगे। इस प्रकार से कि हमारी जो है भौगोलिक बनावट है। अगर मैं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, तो भारत की पड़ोसी देशों का नाम इस प्रकार है, आप याद रखिएगा, मैं कई बार ट्रिक भी बताया हूं। कटते क्रम में है, जैसे बी से हो जाएगा आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश चीन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा,
नेपाल हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बर्मा इसको कहा जाता है, इससे भूटान हो जाएगा, इस प्रकार से ये भारत के सारे पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक के जो है लाइन खींची गई है, जो जल की सहायता से, मतलब कि उसको बोला जाता है पाक जल डमरू मध्य, और भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसलिए अगर देखा जाए तो रेड क्लिफ की जो है स्थापना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को निर्धारण किया गया था, और श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा तथा मनार की खाड़ी द्वारा जो है अलग होता है। इस प्रकार भारत एक विशाल देश है, एक प्राचीन देश है, और भारत की विविधता और उसकी बनावट दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, और यहाँ कई तरह के भाषी, कई भाषी के लोग रहते हैं यहाँ पर। यहाँ अलग अलग प्रकार के संस्कृति और सभ्यता पाई जाती है। कुछ मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ बनाने के लिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे दूसरे चैप्टर में, और एक महत्वपूर्ण चीज की जानकारी आपको हम देंगे जो भारत के भौतिक स्वरूप को दर्शाएगा। ध्यान दीजिए, पाला है प्रश्न, पाला से पहले भी प्रश्न मैं दे चुका हूं, भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा से सटे देशों का नाम लिखे, देशों का नाम लिखे, और चौथा क्वेश्चन है, -82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी, घरों की दीवार मोटी तथा छत
चपटे क्यों होती है? और अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत की स्थिति एवं उसके महत्व का वर्णन करे। ये 6 क्वेश्चन बनाकर रखिएगा, नोट कर लीजिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर जो चीज आपको नहीं समझ में आया होगा कॉल लगाकर पूछ लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है, इसलिए फटाफट पढ़ाना भी जरूरी है। तो इसे निकाले, इसे नोट कर लीजिए, जल्दी कॉपी कलम निकाल कर। दिखाई दे रहा है ना? चलिए देखते हैं, जो अध्याय 2 है ज्योग्राफी का, उसका नाम है भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भौतिक विविधताओं का देश है, या पर्वत, पठार, मैदान, समतल भूभाग, नदियां, झील, झरने, खाड़ी, गाज, घर, कई तरह के भौतिक स्वरूप पाया जाता है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय एक विशाल पर्वत, जबकि दक्षिण में त्रिभुजा आकार की भांति, जो इंडिया की स्थिति एक प्रायद्वीप की तरफ जो है आकर्षित करती है। ये संसार के विशालतम भूभागों में से भारत का भूभाग एक है। यह जो है, यहाँ कई तरह की भौतिक विविधता पाई जाती है, कई तरह के भौतिक स्वरूप पाया जाता है। यहाँ अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इनमें एक तरफ जहाँ संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, नीस, कई तरह के चुन्ना पत्थर, कई तरह की चट्टानें पाई जाती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा इस विशाल भूभाग के भौतिक आकृतियों की व्याख्या करने हेतु हम जो लेते हैं, आजकल जिन मान्यताओं को लेते हैं, उन मान्यताओं में है प्लेटेक्टोनिक थियरी। इसकी हम भौतिक स्वरूपों की व्याख्या करने के लिए लेते हैं। अब ये बताएंगे आपको कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, क्योंकि आप जानते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि भारत के भौतिक स्वरूपों में
कुछ भूवेताओं का सबसे ज्यादा विचार भारत के संदर्भ में प्रभावित करती है, जिसमें कई तरह के विचारक, कई तरह के भूवेता अपने विचार को देते हैं। और मॉर्गन या जो है बहुत से ऐसे बेगनर, बहुत से ऐसे जो भूवेता हैं, वो बताते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत की भू आकृति के निर्माण में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो बहुत काफी कारगर साबित हुआ। यानी कहीं न कहीं हमारा भारत का निर्माण एक प्राचीन क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ। अब मैं अगले दिन आऊंगा तो आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और इसके विशेषताओं को स्पष्ट रूप से मैं आपके समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, अलविदा।